<coughs> good morning to all <coughs> am i audible please let me know whether am i audible or not <coughs> ओके okay, प्रवीण जानवी हेमंत ध्वनि देव आदित्य प्रताप ऋतिका अक्षत अभिलाषा ऋतिका ओके okay. एक बार आप लोग अपने इंडिविजुअल ग्रुप में क्लास को शेयर कर दें ताकि दो तीन मिनट में अपन क्लास को शुरू कर पाए ओके okay, संजली शिवम साक्षी खुशी अग्रवाल प्रियंका मीणा साहब <coughs> then. <coughs> this class is related to your computer based system simulation lab right although you all know that we have individual group lab but we have one lecture class so in this class we'll discussing our next assignment number 3 two assignment we have already completed <coughs> ओके okay. यशमिल हितेश अशोक लक्की कुमावत लोकेंद्र एक मिनट में और वेट करूँगा उसके बाद अपन शुरू करते हैं क्लास को नितेश देव प्लीज़ अटेंडेंस का आप ध्यान रखिएगा ना जो एब्सेंट है मुझे बता देना मोहित तनु गर्ग शीतल मालव देवगौड़ प्लीज़ मैसेज मी में, नितेश कुमार सारांश चलिए शुरुआत करते हैं वी हैव वेट फॉर टू थ्री मिनट्स विवेक शर्मा नित्यम काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है अब तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं ओके okay, कीर्ति शर्मा दीपक गुर्जर देव गॉड प्लीज मैसेज करो बेटा सो दैट आई कंफर्म माई सेल्फ सुरभि गहलोत <coughs> दीपक सिंह भाटी ओके सो टूडेज क्लास इज बेसिकली रिलेटेड टू the how to extract specific element row column and sub matrices or even sub data set from the given matrix in matlab <coughs> okay komal hemendra hani gupta kanak nikita dekhi ab tak hum logon ne jo do assignment kiye hain uske andar hum logon ne matrix ke operations kiye और कुछ specialized matrix function हम लोगों ने देखे एक मिनट के अंदर मैं आपको रिवाइज करा देता हूं क्या क्या हम लोग देख चुके हैं so that

है ना ये आप देखेगा ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल हैं लैब <coughs> में भी हमको परफॉर्म करना है उसके बाद में हम लोगों ने कुछ स्पेशलाइज्ड मैट्रिक्स फंक्शंस की बात की थी है ना वो भी मैं आपको क्विकली बता देता हूँ वी हैव सीन जीरोस वंस आई एंड रेंड हियर ब्रैकेट के अंदर जो हम लोगों लिखा है ये रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करता है इसके बाद में वी हैव ऑल्सो सीन हाउ टू जनरेट अ न्यूमेरिक सीक्वेंस यूजिंग कॉल ऑपरेटर है ना और फिर हम लोगों ने कुछ कमांड्स भी देखी थी वेक्टर्स और मैट्रिक्स में कैसे काम करती है ठीक है ना ये सारा हम लोग कर चुके हैं आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ओके निकिता नेहाल नित्यम चिराग गुड मॉर्निंग टू ऑल अब देखें इन टूडेज क्लास वी विल सी अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें आपको कहेंगे कि पर्टिकुलर एक एलिमेंट को आपको एक्सट्रैक्ट करना है राइट right? पहला टारगेट फिर दूसरा है किसी पर्टिकुलर गिवन मैट्रिक्स के अंदर आपको एक स्पेसिफिक रो कहा जाएगा भाई ऐसी <coughs> कमांड लगाइए जिससे आपको ये खाली एक रो मिले फिर दूसरा है ओनली कॉलम वन कॉलम देन यू विल बी आल्सो आस्क टू एक्सट्रैक्ट द सब मेट्राइसिस सपोज यू हैव अ थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स तो आपको उसमें से एक टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स निकालने को कहा जा सकता है आगे एग्जाम्पल हम देखेंगे एंड लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज हाउ टू एक्सट्रेक्ट दिफिक डेटा सेट एक स्पेसिफिक डेटा सेट को भी हम मैट्रिक से एक्सट्रेक्ट कर सकते हैं ठीक है ना तो ये पांच टारगेट आज के हमारे क्लास के हैं फॉर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट विल सी वन ऑफ द एग्जाम्पल है ना सो आई थिंक अप टू दिस पॉइंट देर इज नो डाउट जो हम पहले कर चुके हैं और जो हम नया करने वाले हैं ये क्लियर हो गया होगा एक बार मुझे थम दिखा दें फिर आगे बढ़ते हैं अपन <coughs> ओके okay, देव हेमेंद्र लक्की साक्षी ऋतिका कनक दीपक सारांश श्रद्धा अक्षत प्रियंका विपिन जैन शीतल निहाल हेमंत अनमोल विशाल ध्वनि अक्षत शर्मा हनी गुप्ता जानवी जांगिड़ ओके okay. शिवम सिंह लोकेंद्र अभिलाषा कीर्ति चलिए फिर शुरुआत करते हैं दिनेश कुमार आदित्य प्रताप ओके okay, सो so, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एंटर दिस मैट्रिक्स आई हैव टेकन अ वेरी सिंपल मैट्रिक्स सो दैट वी कैन वेरीफाई द रिजल्ट राइट एक ये मैट्रिक्स है अगर आप लोग साथ ऑनलाइन अपना मैटलेब खोल के बैठे हैं तो ये करते भी जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है ना सो हाउ टू एंटर दिस मैट्रिक्स इन मैटलेब सभी लोग कमांड लिखे मुझे लिख के बताएं इस मैट्रिक्स को हम कैसे एंटर करेंगे देखें सबसे पहले कौन आंसर करता है बाकी लोग तो कॉपी करेंगे ऑलमोस्ट प्रिया हाउ टू एंटर दिस मैट्रिक्स इन मैटलैप सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स को एंटर कराएंगे उसके बाद ही हम एक्सट्रक्शन की बात करेंगे एक्सट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट एक्सट्रक्शन ऑफ सिंगल रो सिंगल कॉलम सब मैट्राइसिस एंड डेटा सेट आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है हेमंत चौहान का आंसर आया सबसे पहले वन टू थ्री फोर फिर कॉलन चार पाँच छः एंड सेवन एट नाइन गुड उसके बाद काफ़ी लोगों के आंसर आ गए हैं यू ऑल आर ऑलमोस्ट एक ये देखो ये देव गौड़ इस छोटा ब्रैकेट नहीं लगेगा भैया बड़ा ब्रैकेट लगेगा है ना न बिल्कुल ठीक है काफी लोगों के आंसर आ गए हैं सो आई थिंक हाउ टू एंटर दी ये राहुल चौधरी लास्ट में चार क्या लगाया भाई ये चेक कर लो जल्दबाजी नहीं करें अगेन हेमेंद्र सिंह curly braces are not allowed small brackets are not allowed braces are not allowed only square bracket ठीक है ऑलमोस्ट सबके आंसर आ गए हैं <coughs> तो देख लीजिए इस तरह का ये रहेगा रिजल्ट अनमोल सिंह गुड चलिए अक्षत सो <coughs> so आप मैं डायरेक्ट कमांड विंडो के ही रिजल्ट आपको दिखा रहा हूं आप चाहें तो भले एडिट विंडो में काम करके उस फाइल को सेव करके रन करा सकते हैं ठीक है ना ऑलमोस्ट सभी के आंसर ठीक आ रहे हैं <coughs> अब चीज में एक चीज आपको और बता देता हूं अगर मान लीजिए कमांड विंडो में आप ये डेटा एंटर करते हैं एक मैट्रिक्स का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना तो ये जो सेमिकोलन है अंदर ब्रैकेट के अंदर ये एक रो को सप्रेस करता है मतलब ये रो यहाँ खत्म हो जाएगी अगली रो चालू होगी अगर आप ब्रैकेट के बाद में एंड में सेमिकोलन लगाएंगे तो यू विल यू कैन नॉट सी दिस आंसर इफ यू वॉन्ट टू सी आंसर डोंट यूज सेमिकोलन एट एंड आफ्टर दफ्टर ब्रैकेट ठीक है ना दोनों सेमीकोलन का ब्रैकेट के अंदर वो क्या? काम अलग है ब्रैकेट के बाहर काम अलग है ये चीज ध्यान रखिएगा ठीक है ना ये करके भी देखें आप लोग ओके नाउ कम टू फर्स्ट टारगेट हाउ टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक एलिमेंट फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स अब आपको ये मैट्रिक्स आपने एंटर कर दिया ठीक है ना अब आपको एक स्पेसिफिक एलिमेंट देखो मैंने मार्क कर रखा है रेड सर्कल से आई वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट ओनली एट फ्रॉम दिस मैट्रिक्स मुझे केवल एट चाहिए है ना उसके पास में देखो मैंने कमांड लिखी है दो ठीक है ना कैन एनी वन एक्सप्लेन हाउ दिस कमांड वर्क बिकॉज आई आई नो लॉट ऑफ यू आर वर्किंग और यूजिंग ऑनलाइन मैटलैब एंड डूइंग द कोर्सेज कैन एनी वन एक्सप्लेन क्योंकि ये दो कमांड मैंने आपको बताई है देखो e1 तो एक वेरिएबल है ये वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं मैं इसमें वैल्यू स्टोर करवा रहा हूं मैंने लिखा है ब्रैकेट ब्रैकेट के के अंदर अंदर उसका उसका आंसर आंसर आ गया 8। फिर मैंने लिखा E2, A, मैंने लिखा लिखा नया वेरिएबल लिया है 3, 2। उसका भी एट आया है आदित्य प्रताप कह रहे हैं इन सेकेंड वन इट रिप्रेजेंट्स रो थर्ड एंड कॉलम टू यस आपका बिल्कुल ठीक आंसर है जो सेकेंड कमांड ये बता रहे हैं जो देखो ए के बाद में ब्रैकेट के अंदर अपन जो लिखते हैं फर्स्ट एलिमेंट इज शोइंग नंबर ऑफ रो और कॉल कॉमा के बाद में जो सेकेंड एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है आपके कॉलम को तो थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम तो आपका ये एलिमेंट एक्सट्रेट हो जाएगा आप पहले वाले का आंसर बताओ फर्स्ट <coughs> का आंसर कौन देगा सेकेंड एलिमेंट थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम सेकेंड कमांड सबकी सही है जिनके भी आंसर आ रहे हैं आदित्य प्रताप कह रहे हैं लोकेशन ऑफ एलिमेंट वी वांट टू एक्सटेड व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट पहले ही कमांड का आंसर बताओ मुझे ये कैसे आया कैन एनीवन टेल अक्षत गुप्ता यू आर डूइंग द ऑनलाइन कोर्स आई थिंक अपनी बात हुई थी लैब में <coughs> अक्षत गुप्ता इज देयर इन द क्लास। आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट कमांड एनी कमेंट फ्रॉम योर साइड एलिमेंट एट थ्री टू टू लोकेशन ये तो हो गया अक्षत गुप्ता बताओ फर्स्ट कमांड का कैसे आया कैन यू एक्सप्लेन द फर्स्ट कमांड सेकेंड कमांड का सभी लोगों ने आंसर दे दिया है <coughs> क्या कोई बता सकता है आप में से क्योंकि मैं हरेक के लिए लगभग लगभग दो दो कमांड आपको बताऊंगा जो कि ऑनलाइन कोर्स वाले भी शायद नहीं बताएंगे <coughs> चिराग सिंगल के रहे सिक्स एलिमेंट ऑफ रो कैसे हुआ नो सिक्स एलिमेंट छठ सिक्स एलिमेंट ऑफ रो नो 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 इसका आंसर वही दे सकता है जिसको ये पता है कि जब आप मेटल के अंदर किसी मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं या मैट्रिक्स को एंटर करवाते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर ये एलिमेंट किस तरह से स्टोर होते हैं वही बच्चा इसका आंसर दे सकता है देखिए चलिए नहीं पता तो आप नोट कर लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ दिस थिंग इज़ नॉट रिटर्न इन एनी बुक और यू विल नॉट फाइंड इन एनी यूट्यूब चैनल सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दैट देखिए मेटलेब में जब आप ये मैट्रिक्स एंटर कराएंगे तो मैट अंदर जो स्टोरिंग होती है एलिमेंट्स की मैट्रिक्स के अंदर वो कॉलम वाइज होती है सो दिस इज फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट उसके बाद में ये फोर्थ एलिमेंट फिफ्थ एलिमेंट सिक्स एलिमेंट सेवन एट एंड नाइन इस तरह से कॉलम वाइज एंट्री होती है तो आपका पहला एलिमेंट वन दूसरा चार तीसरा सेवन फोर्थ टू फिफ्थ फिफ्थ एंड सिक्स इज एट इज दिस पॉइंट क्लियर अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो मुझे एक बार थम दिखा दें सब लोग <coughs> जल्दी से बताओ भाई चलिए अक्षत गुप्ता हैव यू गॉट अ न्यू थिंग फ्रॉम ऑनलाइन कोर्स ओके अब सभी लोगों को समझ में आ गई बात बहुत बढ़िया तो इस तरह से आपको एक मैट्रिक्स के अंदर कोई सा भी एलिमेंट अगर आपको एक्सट्रेक्ट करना हो तो आप कर सकते हैं ठीक है ना अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए आई वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट थ्री तो पहली कमांड क्या होगी बताओ मैं केवल थ्री को एक्सट्रेक्ट करना चाहता हूं इसमें। कमांड क्या होगी जल्दी से बताएं ओनली फर्स्ट कमांड नॉट द सेकेंड आई वॉन्ट टू एक्सटेक्ट थ्री यस देवगौड़ का सबसे पहले आंसर आ गया है वेरी गुड तो मेरे हिसाब से ये सबको बात समझ में आ गई है है ना ये वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं नहीं भी लेंगे तो बाई डिफॉल्ट वेरिएल ए एन एस आ जाएगा सो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड गुड रिस्पॉन्स ये डिस्क कराने की जरूरत नहीं है बाकी अपना आ जाएगा आपका आंसर है ना? चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं फिर अपन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ <coughs> चलिए नेक्स्ट टारगेट इज हाउ टू एक्सट्रैक्ट द स्पेसिफिक रो फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स इन मैटलैप मैटलिप हमारा मैट्रिक्स वही है थ्री क्रॉस थ्री का इस बार हम लोग एक रो को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं है ना ये रो मैंने सेकेंड ली है फोर फाइव सिक्स आप कोई भी रो ले सकते हैं पहले ले सकते हैं तीसरी ले सकते हैं है ना मैंने सेकेंड रो को लिया है तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने तीन कमांड लिखी है देखो नंबर वन नंबर टू एंड नंबर थ्री एक एक करके मुझे बताया वन बाई वन क्या समझ में आ रहा है देखो तीनों कमांड का आंसर सेम है वी कैन एक्सटेट दिस सिंगल रो यूजिंग थ्री कमांड्स फर्स्ट कमांड क्या शो कर रही है कौन बताएगा <coughs> दूसरी कैसे हो रही है तीसरी कैसे काम कर रही है सबका अलग अलग पैटर्न है कैन एनी वन एक्सप्लेन इन द फर्स्ट इट्स सेज रो टू ओके वाट अबाउट कॉलन अक्षत गुप्ता कह रहे हैं फॉर फर्स्ट कमांड वी आर यूजिंग सेकेंड रो एंड ऑल कॉलम यस ये आंसर बिल्कुल ठीक है सभी लोग नोट कर लेत गुप्ता क्योंकि ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं इसीलिए शायद ये बता पा रहे हैं देखो पहली कमांड के अंदर आर तो मेरा एक रो के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया है उसके अंदर मैं वैल्यूज की स्टोर करवाना चाहता हूँ ठीक है ना एक चीज़ आप ध्यान रखना मैट्रिक्स के बाहर जो हम ए लिखते हैं कैपिटल ए जो मैट्रिक्स का नाम है और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम हम जब भी लिखेंगे कॉल कॉमा के पहले की एंट्री रो को रिप्रेजेंट करेगी कॉमा के बाद की एंट्री कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी ठीक है ना तो सेकंड रो और अगर खाली कॉलन लगाते हैं इसका मतलब सभी कॉलन सभी कॉलम काम में आ गए दिस पॉइंट क्लियर चलिए पहली रो पहला आई थिंक क्लियर हो चुका है किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले भाई <coughs> दूसरी दूसरे का बताओ भाई दूसरा कैसे काम कर रहा है सेकेंड कमांड का कोई बता सकता है अगेन फर्स्ट एलिमेंट इज रो सेकेंड रो अब हमने कॉमा करके लिखा है वन टू थ्री ये देखो अक्षत ने आंसर लिख दिया और सेकेंड कमांड वी आर यूजिंग सेकेंड रो एंड कॉलम फ्रॉम वन टू थ्री यस ये जो अक्षत गुप्ता आंसर लिख रहे हैं ये आंसर बिल्कुल ठीक है सर थर्ड में फर्स्ट थ्री एलिमेंट ही शो होंगे रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट रो यश मिल आई एम नॉट गेटिंग यू थर्ड में क्या कह रहे हैं फर्स्ट थ्री एलिमेंट हैव यू रन दमांड यश मिल आपने ये कमांड चला के देखी क्या बेटा यस आई थिंक पहली और दूसरी में किसी को कोई डाउट नहीं है तो क्या रिजल्ट क्या आ रहा है लिखो जरा एक बार यश yes, मिल इसका आंसर क्या लिख रहा है सभी लोग इस कमांड को चलाए भाई जो लोग देख रहे हैं थर्ड कमांड चला के बताओ एक बार रिजल्ट क्या आ रहा है जो मैंने रिजल्ट लिखा है वो नहीं आ रहा है यश अक्षत गुप्ता प्लीज ट्राई दिस थर्ड कमांड को एक बार वेरीफाई कराओ बेटा क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सही नहीं है वन टू थ्री नाइन्टी नाइन ये क्या कहना चाहते हैं आई एम नॉट गेटिंग यू यश आपने फोर क्रॉस फ्रो का मैट्रिक्स लिया है उससे क्या फर्क पड़ेगा यार अक्षत गुप्ता थर्ड कमांड को चला के देखना एक बार इसको थोड़ा गौर से देखें आप ए टू टू का मतलब सेकेंड रो है और कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखा है वन कॉलन थ्री वही बात है पहले कॉलम से लेकर के तीसरे कॉलम तक और कुछ भी चेंज नहीं है केवल पैटर्न चेंज है लिखने का तरीका अलग है आई थिंक आंसर यही आना चाहिए क्योंकि मैंने खुद ने चला के देखी है आदित्य प्रताप कह रहे हैं इफ वी पुट टू इन प्लेस ऑफ थ्री इन सेकेंड इन सेकेंड मेथड आउटपुट विल गेटिंग फोर एंड फाइव ये अपन लैब में डिस्कस करेंगे एक्चुअली काफी सारी चीजें हैं इसमें अभी आप नोट करके रखें अगर आप कुछ चेंज कर रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है आप नोट करके रखें वी विल डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल इन द लेबोरेटरी राइट आदित्य प्रताप प्लीज नोट करके रखना बेटा इस बात को है ना आप कमांड लिख के बताओ कमांड क्या लिखिए मैं आंसर बता दूंगा आपको क्योंकि ये वर्ड्स में समझ में नहीं आ रहा है बेटर टू राइट द कमांड थर्ड वाला एक बार चला के देखें कंफर्म करो कोई एक बच्चा कि रिजल्ट क्या आ रहा है यश मिल कह रहे हैं रिजल्ट ये नहीं है सेम आंसर आ रहा है सर थ्री से हाँ बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैंने चला के देखा है यश मिल प्लीज चेक करो बेटा हाँ रिजल्ट सेम आ रहा है इसलिए मैंने तीनों लिखी हैं कोई भी कोई सा भी लिख सकते हैं है ना क्योंकि अगर एग्जाम में पूछे सर रिजल्ट यही है तो फिर आपका डाउट क्वेश्चन समझ में नहीं आया भैया मुझे अपन लैब में बात करेंगे यश yes, मिल आप क्या पूछना चाहते हैं ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं आई थिंक दिस ये क्लियर हो चुका है अब अगला है कॉलम वाला नाउ आई वॉन्ट टू अ स्पेसिफिक कॉलम फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स आई हैव सेलेक्टेड थर्ड कॉलम आप फर्स्ट भी ले सकते हैं सेकंड भी ले सकते हैं ठीक है ना तो अब मेरे हिसाब से जो मैंने ये कमांड लिखी है किसी को डाउट होना चाहिए, चाहिए नहीं तीनों कमांड इफ यू आर यूजिंग मैट लैब राइट नाउ फटाफट से इसको चला के देख लें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले मैंने तीनों कमांड लिख दिए हैं तीनों से आंसर सेम आएगा इन ऑल थ्री केसेस यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर इफ देर इज एनी क्वेरी तो वो बताएं अदरवाइज मुझे थम दिखा दें फिर आगे बढ़ते हैं ओके <coughs> okay. शु अग्रवाल आदित्य प्रताप देवगौड़ ये सारे कमांड आपको चला के देखनी है बेटा है ना केवल अंगूठा दिखाने से काम नहीं चलेगा का चला के देख रहे हैं तो बढ़िया है रेस्पॉन्ड कर रहे हैं ये भी अच्छा है बट ऑनेस्टी रखे हैं। ओके काफी लोगों का रिस्पॉन्स आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये कमांड्स रन करके देखी हैं एंड यू आर गेटिंग द सेम आंसर ओके भावना लोकेन्द्र चलिए बढ़िया है अगर हो गया तो बहुत बढ़िया है फिर आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट पोर्सन की तरफ अब अक्स्ट टारगेट इज हाउ टू एक्सट्रेक्ट सब मैट्राइसेस फ्रॉम द गि सॉरी गिवन मैट्रिक्स इन मैटलैप है ना हमारा मैट्रिक्स वही है थ्री क्रॉस थ्री का इस बारी मैंने एक पर्टिकुलर सब मैट्रिक्स टू क्रॉस टू का लिया है आप कोई सा भी ले सकते हैं वन टू फोर फाइव ले सकते हैं टू थ्री फाइव सिक्स ले सकते हैं एज यू विश मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है जो रेड कलर मार्कड है इसके लिए दो तरह की कमांड आ, हम यूज कर सकते हैं इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए है ना तो आप लोग मुझे बताएं पहली कमांड कैसे काम कर रही है दूसरी कमांड कैसे काम कर रही है आई हैव डोंट कंफ्यूज अबाउट द वेरिएबल आई हैव यूज्ड एस एम दैट इज सब मैट्रिक्स मैंने वेरिएबल उसके हिसाब से लिए है आप कोई भी वेरिएबल काम में ले सकते हैं ये कमांड कैसे काम कर रही है वो बताएं एक मैंने यूज करी है कॉलन ऑपरेटर लेकर के और एक मैंने लिए स्क्वायर ब्रैकेट लेकर के दोनों ही अलग अलग हैं रो सेकंड एंड थर्ड देन कॉलम वन एंड टू हाँ इस ये कमांड कैसे काम कर रही है सेकंड रो से लेकर के तीसरी रो तक पहली बात तो पहली रो तो आएगी नहीं है ना फिर अगला है फर्स्ट कॉलम से लेकर के सेकंड कॉलम तो तीसरा कॉलम नहीं आएगा तो आपका ये जो है मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स एक्सटेंड हो जाएगा है ना यस yes. बच्चे होशियार हो गए हैं सभी लोग आंसर कर रहे हैं अक्षत गुप्ता इन फर्स्ट कमांड वी आर यूजिंग रोज फ्रॉम सेकंड टू थर्ड बिल्कुल ठीक है कॉलम वन टू वन बिल्कुल ठीक है ये आंसर करेक्ट है जो मैंने बताया इन्होंने भी वही लिखा है तो अक्षत गुप्ता वाले आंसर आप लोग कॉपी कर लें जो मैं चाहता हूं वही आंसर ये दे रहे हैं तो इट इज करेक्ट सेकेंड केस के अंदर वी आर यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट रादर देन कॉल एंड ऑपरेटर तो उससे भी आंसर यही आएगा है ना ओके okay. <coughs> चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं अगर ये कमांड सबको समझ में आ गई है सपोज आई वॉन्ट टू हैव दिस सब मैट्रिक्स फाइव सिक्स एट नाइन फाइव सिक्स एट नाइन इसके लिए कमांड क्या होगी जल्दी बताओ फाइव सिक्स एट नाइन क्या कमांड होगी जल्दी बताएं आदित्य प्रताप कह रहे हैं सो सर इज देर एनी मेजर डिफरेंस और यूज ऑफ सेकंड मेथड देखो एप के अंदर बेटा हम कॉल ऑपरेटर काम में ले रहे हैं और एक के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट काम में ले रहे हैं कोई फर्क नहीं है ये देखो इसका आंसर आ गया है टू कॉलन थ्री टू कॉलन थ्री बिल्कुल बढ़िया है अरे ब्रैकेट लगाओ मिल ऐसे आंसर नहीं आएगा हाँ बिल्कुल ठीक है बहुत बढ़िया ये विशाल मालव ये ए लिखना पड़ेगा बिना ए लिखने के काम नहीं चलेगा अक्षत शर्मा मैट्रिक्स को डिफाइन नहीं करोगे तो हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट एक्स्ट्रैक्ट जल्दबाजी में आंसर नहीं दें हाँ ये देखो लक्की कुमोत ने भी ये ऐसा लिख दिया है ए कहाँ एरर आएगा राहुल चौधरी एरर आएगा जो लोग भी गलत लिख रहे हैं मैं बता रहा हूँ और ये कनक महेश्वरी आप कॉलन ऑपरेटर काम में ले रही हैं और स्क्वायर ब्रैकेट भी काम ले रही हैं कनक माहेश्वरी आपकी कमांड एक बार चला के देखना बेटा डाउट है थोड़ा मुझे शीतल मालव यू हैव नॉट रिटर्न ए और ये ध्वनि ने भी ए नहीं लिखा है मतलब को क्या समझ में आएगा ब्रैकेट के बाहर ए लिखना जरूरी है इक्वल टू का साइन ये नहीं आएगा भाई दीपक सिंह भाटी देखो काफी लोग गलत कमांड लिख रहे हैं Small A नहीं है अगर आपने मैट्रिक्स का नाम स्मॉल ठीक है, तो है और कैपिटल ए दिया है तो कैपिटल लिखना पड़ेगा है ना सो आई थिंक टू दिस पॉइंट देर इज नो डाउट अब मैं पांच सात मिनट क्लास और लूंगा ज्यादा नहीं लूंगा एक लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं शीतल मालव काफी लोगों के आंसर सही है चलिए इसको देखिए आप अगर मुझे पूरा का पूरा मैट्रिक्स ही एक्सट्रैक्ट करना है हालांकि ऐसा कोई कहता नहीं है लेकिन कमांड के बारे में बता देता हूं कैसे इसको लिखेंगे तो वो नोट कर लें आप लोग वन कॉमा टू कहां से आया भावना हम्म। ये देखिए अगर आपको पूरी की पूरी मैट्रिक्स ही एक्सट्रैक्ट करनी है जो आपने एंटर करी है तो उसके लिए कमांड होती है ए कॉलन कॉमा कॉलन तो इससे भी आंसर आ जाएगा एक तो ये कमांड हो सकती है जो मैंने बताई है इसके अलावा क्या कमांड हो सकती है कौन बताएगा क्योंकि आई ओनली वन तो सेकेंड क्या हो सकती है वो बताओ कौन बताएगा जल्दी से देखें फर्स्ट आंसर किसका आता है एक तो मैंने बता दिया है कॉलन कॉमा कॉलन सिंपल कमांड है इससे पूरी की पूरी मैट्रिक्स एक्सटेक्ट हो जाएगी इसके अलावा और क्या कमांड हो सकती है इसके लिए ऋतिका सियोदा भी पिछला आंसर दे रही है आंसर दिस क्वेश्चन वन कमांड आई हैव यू हैव टू टेल मेगा लखावत कह रहे हैं ए वन कॉलन थ्री वन कॉलन थ्री बिल्कुल ठीक है तो कुल मिला के आप लोगों को चीज समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया है ये ये क्या लिखा भाई देव गॉड ऐसा नहीं होगा गॉड साहब ये क्या कमांड लिख रहे हैं आप देखो ब्रैकेट का कॉलन का कॉमा का स्पेस का बहुत ध्यान रखना है ये छोटी छोटी गलतियां ही हमारे को एरर क्रिएट करके बता देती हैं है ना तो काफ़ी लोगों के आंसर ठीक आ रहे हैं नाउ कम टू दी एक मिनट वेट कर लेते हैं अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए भाई फिर तो लास्ट स्लाइड है मेरी आज की इसके बाद एक स्लाइड और है बस ओनली टू मिनट्स एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट एनी डाउट ओनली टू थ्री मिनट आई विल टेक देव गौड़ साहब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अटेंडेंस मार्क कर दी होगी दोज वू आर एबसेंट तो मुझे बता देना इस क्लास के बाद में ना बेटा एनी डाउट किसी को कोई डाउट नहीं है बहुत बढ़िया है चलिए फिर सबका रिस्पांस आने देते हैं एक मिनट फिर आगे चलते हैं लास्ट में आई हैव ओनली वन मोर स्लाइड स्लाइड नंबर ट्वेल्व दैट वुड बी द लास्ट स्लाइड फॉर द टू क्लास उसके बाद आपको फ्री कर देंगे हाँ सब लोग मैसेज कर दो भाई व्हाट्सएप कह रहे हैं एक बार ताकि कंफर्म हो जाएगा काफी लोगों के मैसेज आ गए हैं एक बार सभी लोग मैसेज कर दें व्हाट्सएप कह रहे हैं रिपीट मत करना जिन्होंने कर दिया वो नहीं करें चलिए गौर साहब ठीक है मेरे हिसाब से आ गए हैं ऑलमोस्ट है ना इक्का दुक्का कोई दो चार पांच लोग एबसेंट है तो देख लेना आप लोग चलिए आज की लास्ट स्लाइड चला देते हैं इसको गौर करिए पहले स्लाइड को देखिए आप नाउ ट्राई टू कंसंट्रेट प्लीज डोंट अरे प्रेजेंट प्रेजेंट क्यों लिख रहे हो यार चलो हाँ चलो ठीक है अटेंडेंस हो जाएगी सब लोग लिख दो ओके नाउ प्लीज सी दिस स्लाइड आई थिंक सबके प्रेजेंट हो गई है ऑलमोस्ट इसको देखिए इस स्लाइड को देखिए आप एक बार मैं क्या पूछना चाहता हूं वो देखिए आप पहले स्लाइड का हेडिंग देखिए हाउ टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक डेटा सेट आपको मेटल में से स्पेसिफिक डेटा सेट निकालना है है ना स्पेसिफिक डेटा सेट की बात की जा रही है ये ना तो सिंगल एलिमेंट है ना सिंगल रो है ना सिंगल कॉलम है और ना ही सब मैट्रिक्स है हालांकि इसको सब मैट्रिक्स लेकिन सब मैट्रिक्स की फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए ठीक है ना अपने को आंसर चाहिए इस फॉर्म में जो लास्ट में लिखा है ना मैं चाहता हूं एक ही लाइन के अंदर यह सारे एलिमेंट एक्सट्रेट हो जाएं फोर सेवन फाइव एट सिक्स नाइन इस तरह से पहले एलिमेंट चार आए फिर सात आए फिर पांच आठ सिक्स नौ कैन एनीमन टेल मी दमांड फॉर दिस ये आपके लिए मैंने छोड़ा है अक्षत गुप्ता के अलावा कोई बता सकता है क्या अक्षय गुप्ता आप भी ट्राई करें एक बार वाट वुड बी दी कमांड टू एक्सटेड दिस डेटा सेट फ्रॉम दिस मैटलेप इसका आंसर में अभी नहीं बताऊंगा मैं दो मिनट वेट कर लेता हूं अगर किसी का आंसर आता है तो अदरवाइज दिस इज योर होमवर्क एनी बडी कैन गिव दंसर आई विल वेट फॉर वन मिनट देन वी विल क्लोज द्लास मुझे एक लाइन के अंदर यह सारे चाहिए फोर सेवन फाइव एट सिक्स नाइन नॉट दब मैट्रिक्स जो लास्ट में लिखा है पैटर्न उस पैटर्न में आंसर चाहिए एनीबडी कैन गिव द आंसर और नॉट अक्षत गुप्ता हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग ऑनलाइन कोर्स फॉर द मैटलैप अक्षत गुप्ता ने तो मुझे बताया था इसलिए ध्यान है बाकी और भी कोई लोग कर रहे हैं क्या हाँ जी दीपक गुर्जर कह रहे हैं नो सर नहीं आता है मतलब है ना चलिए कोई बात नहीं अक्षत गुप्ता आप मैसेज करो फिर क्लास को खत्म करते हैं एक बार अक्षत शर्मा कह रहे हैं अच्छा वाई आर गुड इससे आंसर आ रहा है क्या ये अक्षत शर्मा ने जो कमांड लिखी है उसे आंसर आ रहा है कि अक्षत शर्मा चला के देखी क्या कमांड एंड साक्षी व्यास ऑल्सो है अक्षत गुप्ता कह रहे हैं सर ये आंसर नहीं पता है ओके okay, कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं अक्षत शर्मा एंड साक्षी व्यास आप लोग है ना ये जो दोनों कमांड लिखी है नहीं तो ये तुक्के मत लगे भैया पहले चला के देखो फिर आंसर आएगा आप इस कमांड को चला के देखिएगा तब मुझे बताइएगा दिस इज योर होमवर्क नाउ एक बारी मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लास लीव करने से पहले एक बारी लाइक करना और क्लास खत्म होने के बाद में एक बारी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी दिस विल मोटिवेट मी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्लास ओके सो नाउ यू आर फ्री फ्रॉम माई साइड दिस वुड बी योर असाइनमेंट अगर आएगा तो ठीक है नहीं तो फिर मैं आपको फिजिकली जब क्लास में मिलेंगे तब बताऊंगा है ना सो प्लीज व्हाट आई हैव सेड अबाउट द फीडबैक प्लीज कंसल्ट्रेट ऑन सर अक्षत वाले से एरर आ रहा है हाँ तो वो ये कमांड सही नहीं है ना कमांड सही नहीं है एरर ही आएगी ओके फ्रॉम माय साइड यू आर फ्री नाउ यू कैन लीव द क्लास बट जस्ट लाइक द सेशन एंड गिव योर फीडबैक ये फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालना लास्ट में है ना? ओके थैंक यू ऑल